प्रियरंजन, और आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक के बारे में, और साथ में ही देखेंगे कि आखिर इस स्टॉक के जो रिसेंट के न्यूज रहे हैं वो कैसे हैं और उसका इम्पैक्ट इस स्टॉक पे क्या दिखने वाला है। तो एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें। पिछले 1 ईयर में स्टॉक ने 100% तक के गेन दिए हैं। कुछ रिसेंट की न्यूज रही थी, पहली न्यूज रही थी 198 करोड़ के जो इसने ऑफिस प्रेमिसेस थे वो एनएसडीएल को सेल करा है। उसके बाद देखेंगे तो आउटलुक ग्रुप के साथ इसने टाइप करा जो रिटायरमेंट प्लान को लेकर के, यहाँ देखेंगे आउटलुक ग्रुप इज एक्साइटेड टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ हाईली एंटीसिपेटेड रिटायरमेंट प्लानिंग इवन आफ्टर 40 इन एसोसिएशन विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके अलावा देखेंगे तो पाएंगे कि जो 3000 करोड़ के फंड रेज कंपनी ने करे थे बॉन्ड के थ्रू, उसको लेकर के क्रिसिल हैज असाइंड इट्स रेटिंग क्रिसिल AA+ स्टेबल टू द टायर 2 बॉन्ड्स अंडर बेस ट्रिपल ऑफ द बैंक अमाउंटिंग टू 3000 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज रही है। टेक्निकली ट्रेंड्स देखेंगे तो इस समय पिछले 1 मंथ से स्टॉक के ट्रेंड काफी वीक लग रहे हैं। जो अपडेट्स हैं उसमें हमने आपको रेटिंग दिखाया, जो डिलीवरी है वो बेटर दिख रही है। इस समय हमने जैन साहब के द्वारा बाइंग देखा, मतलब 5 करोड़ के आसपास का शेयर था। इसके अलावा देखेंगे तो इस समय स्टॉक के जो वॉल्यूम है वो हायर वॉल्यूम के साथ भी जो ट्रेंड है वो कंसोलिडेट फॉर्म में ही दिख रहा है, और इसीलिए हमने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर इस स्टॉक के टेक्निकल ट्रेंड को देखेंगे तो इस समय इस स्टॉक का जो हायर हाई हायर लो का ट्रेंड बन रहा था वो इस समय रिवर्स हो चुका है लोअर लो लोअर हाई में। मिनिमम 100 लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें एक मोमेंटम लेने के लिए, जहां 120 40 के लेवल्स ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का ट्रेंड वीक है। इस समय आप चाहें तो 96 के ऊपर के एसएल को लगा करके एक लोअर साइड टारगेट 82 और दूसरा टारगेट देखेंगे तो नियर अराउंड यहां 68, ये दो टारगेट प्रिडिक्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में करा जा सकता है। 100 के ऊपर ही लॉन्ग ट्रेड लेंगे, तब तक के लिए बिल्कुल इस स्टॉक को इग्नोर करें। जो लॉन्ग टर्म निवेशक ऑलरेडी हैं उनको मैं चाहूंगा कि ये जो जोन आपको दिख रहा है 76 से लेकर के 68, ये जो बीच है ये बीच के जोन का वेट करें। ये एक बेस्ट वैल्यू बाइंग जोन हो सकता है फॉर टारगेट ऑफ 200 फॉर ड्यूरेशन ऑफ नियर अराउंड जो है 1.5 ईयर टू 2 ईयर के लिए।